साथियों नमस्कार, आरआरबी क्लासेस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम मात्रिक विषम छंद के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो मात्रिक विषम छंद क्या है, तो दोस्तों इसकी बारे में जानकारी बोर्ड के ऊपर अग्रलिखित है। जो छंद सम या अर्ध सम नहीं होते हैं विषम छंद कहलाते हैं। चार से अधिक चरणों वाले छंदों को भी विषम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये दोनों ही जानकारी आपको ध्यान में रखनी है कि भाई इसके अंदर चार चरणों से अधिक वाले जो भी छंद है मात्रिक, वे मात्रिक विषम छंद की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कुंडलियां और छप्पय का प्रमुख स्थान है कि छप्पय और कुंडलियां ये किस तरीके से बनते हैं, ये भी अग्रलिखित है। जैसे दोस्तों दोहा प्लस रोला, इन दोनों के योग से कुंडलियों का निर्माण होता है, और दूसरी बात रोला प्लस उलाला के योग से छप्पय का निर्माण होता है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करना चाहे तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, डी प्लस आर बराबर के, फिर आर प्लस यू बराबर सी एच। इस तरीके से भी आप ये दो सिंबल्स बना करके भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कुंडलियां, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कुंडलियां दोस्तों यह एक मात्रिक विषम छंद है, यह एक मात्रिक विषम छंद है और इसके अंदर छह चरण होते हैं। प्रथम दो चरण इसके अंदर दोहा और शेष चार चरण रोला होते हैं, और उसका एक उदाहरण ये अग्रलिखित है जिसके अंदर पहली दो पंक्तियों के अंदर दोहा दे रखा है और अंतिम जो चार पंक्तियां हैं वो रोला से युक्त है। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। अब मात्राएं करना आपका काम है, दोहे के अंदर कितनी होती है क्योंकि हमने ये पूर्व में पढ़ लिया है। दूसरी बात रोला को भी हमने पूर्व में पढ़ लिया है, और उसमें एक ट्रिक्स भी मैंने आपको शायद बताया था कि 24 घंटे रोवे रोला 11 यति दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर होता हूं को जारे, क्या गिरधर कवि राय सुनो हो धुर के बाटी, सब हथियार में छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि दोहे की जो अंतिम पंक्ति होती है कि गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग, तो इसके अंदर ये वाली लाइन वापस यहां रिपीट हो रही है। देखिए तहां बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुंडलिया छंद है। तो आप मात्राओं की गिनती करके भी ये तय कर सकते हैं कि इस उक्त पंक्तियों के अंदर कौन सा छंद है। दूसरा मात्रिक विषम छंद छप्पय है, जो कि रोला प्लस उलाला के योग से इसका निर्माण होता है, और अंग्रेजी ट्रिक्स के अंदर याद करें तो R प्लस यू बराबर सी एच। अब दोस्तों छप्पय के अंदर यह एक मात्रिक विषम छंद है, पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है। इसमें छह चरण होते हैं, प्रथम चार चरणों में रोला तथा शेष दो चरणों में उलाला होता है। प्रथम चार चरणों में 11 और 13 पर यति, कुल 24 मात्राएं होती है, और अंतिम दो चरणों के अंदर 15 और 13 पर यति होती है और कुल 28 मात्राएं होती है। यह हमने पूर्व वीडियो में भी बता दिया है कि भाई रोला के अंदर 24 मात्राएं होती है, और दूसरी बात है उलाला, तो उलाला छंद के अंदर 15 और 13 के ऊपर यति होती है। तो इसके अंदर जो रोला का उदाहरण दे रखा है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। तो अब रोला के अंदर आपको मात्राएं बनानी है, और मात्रा बनाने का काम आपका है ताकि आपका भी अभ्यास बढ़िया हो जाए। दूसरी बात है इसके अंदर उलाला है, करते अभिषेक पयोत बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो दोस्तों कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, अगर आप रोला और उलाला का उदाहरण अगर आपको याद है और दोनों को आप एक साथ चिपका देते हैं तो ये आपका छप्पय छंद तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, जरूरतमंद दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।